जीसु दलितों को स्वतंत्र करो और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। आज पुत्र उपयाजक वल्टर वाला के पावन प्रताभिषेक कृष्याग में सम्मिलित होने ईशो को धन्यवाद देने तथा उनकी खुशी में सहभागी दिखाने के लिए उपस्थित खुटक्रम प्रांत के धर्माध्यक्ष आज के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर महामहेश्वर विनय कंडोलना, हमारे इसमें उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सेंट फ्रांसिस्कन धर्म समाज के वाइस प्रोविंशियल, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। Thank you.
जानकर जिससे ये अपने प्रेम पूर्ण आचरण द्वारा प्रभु ख्रीस्त में तेरा स्तुति का निरंतर करते रहे। यह वरदे उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर दुनिया में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ लोगों को चुनता है। यहाँ सामुएल के बुलाए जाने का प्रसंग है। ऐसे क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थाई है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। क्रिस्त में प्यारे और आदरणीय फादर ग्रेगोरी बिलुंग वाइस प्रोविंशियल, फादर राजेश सोरो नौगांव पल्ली के पल्ली पुरोहित, उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, धर्मबने उपयाजक या डीकन वाल्टर बारला, उनकी माँ और उनके सभी परिवार के सदस्य और सगे संबंधी उपस्थित, माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटियों, जीसु ख्रीस्त सेवा लई, प्रभु जीसु ख्रीस्त सेवा लई, आपे सबे को सेवा लई, अन्या हम वाल्टर बार लकी जी मजा ये आम तारे। हम के पूरा पूरा ये धन्यवाद मरण त्याग हम त्याग तना हम हम को रंग सौंपा जाइया अलिसिया मुतुंते हम के धन्यवाद अन्य मम तना आप दे धर्म समाजी प्रोविंशियल दबंगैया वाइस प्रोविंशियल मनैया इनको या समर्पण। संत पौलुस के शब्दों में कहा जा सकता है, मैं नहीं लेकिन ख्रीस्त मुझ में जीता है। पुरोहिताय जीवन जी सकने के लिए पवित्र आत्मा से हम सब संतों की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। संत पेत्रुस, संत पौलुस, संत योहन, संत थॉमस, संत स्टेफनोस, वेंटेकर,
सेवक फादर बेंजामिन, स्वर्गीय बेंजामिन की सुधि दे, जिनको तूने
इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे 32 माह में थे, तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी बने थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में आज बुलाए गए हैं। Thank you.